बिजली विभाग से बिजली चोरी रोकने व बकाया वसूली के लिए चलाया अभियान। विजिलेंस व विद्युत विभाग के संयुक्त टीम ने नगर में चलाया चेकिंग अभियान, कटिया चोरों में मचा हड़कंप। जनपद से आई विजिलेंस टीम ने नगर में विद्युत चेकिंग अभियान चलाकर बड़े विद्युत बकायेदारों व कटिया चोरों पर शिकंजा कसा है। कस्बे में मंगलवार को दोपहर बाद नगर के अलग अलग मोहल्लों में विजिलेंस व मौदहा विद्युत विभाग की संयुक्त टीम ने छापा मारा और बड़े बकायेदारों व कटिया चोरों के कनेक्शन के काटकर जुर्माना लगाया गया। विजिलेंस टीम की छापेमारी से नगर के कटिया चोरों ने में हड़कंप मच गया। इस प्रकार नगर के दर्जनों मोहल्लों में छापा मारकर कनेक्शन काटे हैं। नगर के मोहल्ला मीराज, पुरवा, रागोल, सिचौली, पुरवा, फतेहपुर, उपरोस, हुसैनगंज, हैदरगंज सहित नगर के दर्जनों मोहल्लों में विद्युत चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान विद्युत विभाग के आदिवासी अभियंता ने सुमित ब्यास बताया कि विद्युत विभाग घाटे में चल रहा है और हर महीने कितने भी रुपए की बिजली खरीदी जाती है, इतने रुपए निवासी भी वापस नहीं हो पा रही है, इसलिए ऊपर से प्रेशर है। इसे देखते हुए चेकिंग अभियान चलाया गया है। इस दौरान विद्युत अभियंता सुमित ब्यास, उपखंड अधिकारी राजेश कुमार, जय राजू प्रसाद सहित विजिलेंस टीम की इंचार्ज रामवीर सिंह सहित भारी पुलिस बल मौजूद रहा। देखिए ऐसा है कि पैसा विद्युत उपभोक्ता जमा नहीं कर रहे, उस कारण से पैसे की काफ़ी कमी हमारे विभाग में हो गई है। हम बिजली खरीद कर भी लोगों को बिजली देंगे, वो बिजली खरीद नहीं पा रहे हैं। पूरा एकदम हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या ही उत्पन्न हो गई है। इसीलिए उपभोक्ताओं से ये अपील करने के लिए भी, और उन पर अगर बकाया है तो उसको हम डिस्कनेक्ट करेंगे, जो पैसा नहीं देगा उनकी बिजली नहीं चलेगी। बस यही अभियान है, यही चल रहा है। कब तक चलेगा ये? लगातार चलेगा जब तक पैसा नहीं मिलेगा, ये हर दिन चलेगा। मौदहा से अमित कुमार की रिपोर्ट।